तो जो बोलेगा ओम शांति उसके घर में होगा सुख शांति। क्या होगा जी? सुख शांति। और आपके दरवाजे पर बहुत खरोस लोग है, मतलब झगड़ालू आ गया, और हर एक पड़ोसी में एक कुछ ना कुछ होता ही है, जब मधुबन में है तो वहाँ तो होगा ही, तो उसको एक सेकंड में खुश करना है। कैसे खुश करेंगे? बोलना है आप बहुत अच्छे हो। क्या बोलना है? बहुत अच्छे। कितना भी झगड़ा लो तो वो भी उल्टा बोलेगा आप ही तो बहुत अच्छे हो। अगर दो बार मुस्कुरा दिया समझो बाबा पक्का बन जाएगा। आपका बहू 11 महीने चला महिमा कर दो, मेरी बहू बहुत अच्छी, दो दिन करके देखो, तीसरा दिन बोलेगा मम्मी मैं भी चलूंगा ओम शांति। क्या बोलना है? आप बहुत अच्छे। अब इसको उल्टा दीजिए, इसको बहुत दुख देना है, कष्ट देना है। तो कष्ट देने का तो लंबी लिस्ट उससे ज्यादा मालूम है कैसे कष्ट देना है, लेकिन सुख देने का रास्ता क्या है? आप बहुत अच्छे करके देखिए बाबा पक्का कैसे बनता है। समझ गए? अभी मैंने बात किया हिंदी, अब ब्रह्मा बाबा सिंधी, शिव बाबा बिंदी, और अम्मा लोग क्या लगाती है? अर्थात जो जीरो बनेगा सतयुग का हीरो। इसलिए सभी एक बार बोल दीजिए I am a soul। ये पहला लेसन है ना ओम शांति का, फिर से बोल के दिखाइए। इसको शॉर्ट कीजिए तो बनता है IS। क्या बन गया जी? IS। फर्स्ट लेसन में बाबा IS पैदा करता है। फिर से बोल दीजिए I am pure soul। हमारी दीदी की इम्पोर्टेंस, जब तक जो धारणा में नहीं आते उसको मतलब लाते ही नहीं जी। फिर से बोलो इंग्लिश में I am pure soul। इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा जी? IPS। IPS। कलयुग में IS और IPS हाई क्वालिटी सर्विस, लेकिन 100 में कितने पास होते हैं? 2 न 4 5 सब फेल, लेकिन बाबा का हर बच्चा IS और IPS। और जब हम लोग पढ़ाई करने जाते तो सर जी अटेंडेंस लगाते थे ना, और दीदियों के पास जाते ये लोग भी अटेंडेंस लगाते, कौन आया कौन नहीं आया। क्या लगाते हैं जी? अटेंडेंस, मतलब 8-10 डांस, दैट इज कॉल्ड अटेंडेंस। मतलब दिन भर में 8 से 10 लोगों को ज्ञान नहीं सुनाया, मुरली नहीं सुनाया 10 लोगों को, अंदर जाएगा नहीं। इस खुशी में 3 फैक्ट्री बोलो, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, और यह है संगम युग। कौन सा युग? संगम। एक घर में 2-3 बेटियां आ जाए तो माँ बाप को क्या होता है? आपको कैसे पता है? अनुभवी है, एक कलयुग की भाषा है, लेकिन बाबा ने दीदियों ने उसमें पॉजिटिव लिया। 10 सन 10 10 10 मना 10 10 पुत्र, सन मना बेटा, तो एक बेटी 10 बेटों के बराबर। 10 सन अम्मा, 10 सन। एग्जाम्पल देखो, एक एक दीदियों के पास 1000 स्टूडेंट, तो एक बेटी 1000 को कल्याण किया ना जी। इसलिए कहते हैं बेटी दुआ और बेटा दवा, तो दवा चाहिए दुआ चाहिए, दुआ चाहिए मतलब कह रहे हैं दोनों चाहिए पहले से। अगर दोनों चाहिए तो 4 गोली रोज खाना पड़ेगा, ये गोली नो एक्सपायर करता है नो साइड इफेक्ट करता है, इसलिए खूब खाइए खूब खिलाइए। पहला गोली का नाम है खुशी। कौन सा जी? खुशी। सभी बहनों का नाम खुशी बहन। क्या नाम? खुशी। ऐसे खुश रहेंगे तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा नहीं। और आज के मुरली में वही था जी। कुछ भी हो जाए खुश रहना है, इसलिए सुबह उठते ही पहला संकल्प की भगवान मेरा साथी है। क्या बीज बोना है? अगर राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री आपका साथी बन जाए थोड़ी देर ही सही, कितनी खुशी होगी। सारे संबंधी पहले कॉल करेंगे, भैया कुछ काम हो तो बताना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपना है। देखिए हमारा साथी कौन है? तो बहनों का नाम खुशी बहन। दूसरा गोली का नाम है प्यार। भाई जी का नाम प्यारे लाल। क्या नाम? प्यारे लाल, प्रभु का लाल, यानी प्रहलाद। प्रहलाद को कोई जला सका नहीं, इसलिए दादी जी क्या बोलते हैं? I am light। बाबा माइट, everything's right। Divine insight। तीसरा गोली का नाम है शांति। सभी माताओं का नाम आज से शांति माता। क्या नाम? शांति माता। तो बाबा का कहना मानती मानती। और चौथा, कोई भी समस्या आवे दिल से बोलिए मेरा बाबा। क्या बोलना है? मेरा। और लास्ट, अगर दांतों में किसी तरह का तकलीफ है, जैसे इस उम्र में पानी लगना, कनकनाना, सेंसेशन होना कॉमन बात है, तो आपके रसोईया घर में, पहले जमाने के लोग रसोईया बोलता था, अभी किचन बोलने लगा, जब से किचन शब्द है ना किच होते रहता है, कुछ न कुछ होते रहता है, तो रसोईया घर में नमक होता है जी, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जी आजकल मिलता है जरूर जी, और हल्दी का पाउडर जी, ये तीनों मिलाकर के इस उंगली से नहीं, इस उंगली से करेंगे जी, आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई जी हम कोलगेट यूज करते हैं, तो कोलगेट में जानवर का हड्डी डालते हैं, जब दांत में टकराता है तो उससे झाग पैदा होता है, और झाग को हम पानी में फेंकेंगे तो मच्छर पैदा होगा, तो मच्छर को हम रोज पैदा करेंगे तो काटेगा किसको? और जब ये तीनों मिलाएंगे तो बीटर हो जाएगा, करुआपन हो जाएगा, अंदर का जल खत्म हो जाएगा। समझ गए? और लास्ट, हर घंटे पानी पीना है,
और पानी कैसे पीना है, हम गर्म पानी या दूध चाय कैसे पीते हैं, बैठ के सिप सिप करके। अब दो दिन खाना ना मिला आपको, शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है मेडिकल साइंस जी। अगर पानी नहीं पीते तो बहुत सारी बीमारियां क्रिकेट हो जाए। तो सुबह से लेकर शाम तक स्टार्टिंग तक गर्म पानी पीना चाहिए उठते ही, उसके बाद हर घंटे लागू करो। तो 2.5 से 3 लीटर पानी होता है, आपका शरीर का टॉक्सिन निकल गया, टॉक्सिन निकल गया यू बिकम लाइट, हल्का हो जाएगा, नहीं तो वही काम के लिए हमारे पास आ जाओ, 10,000 खर्च करा देंगे, समझ गए। इतना तो कम कर सकते हैं जी। तो क्या बन गया याद रहेगा, IAS और अनिल कुमार, 32 years बाबा नॉलेज, आई एम फायर सेफ्टी ऑफिसर फ्रॉम पटना साहब, पटना ईस्ट, राजस्थान वेस्ट, ईस्ट या वेस्ट, मधुबनी इज द बेस्ट।